डॉक्टर जी, पीठ दर्द से मैदुन में भाग लेने से कोई नुकसान है? आजकल कई लोग पीठ दर्द के बारे में, बैक एक बारे में कंप्लेन करते हैं। कई लोगों को कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। वो बोलते हैं, डॉक्टर जी हमको इधर दर्द है, उधर दर्द है, पीठ के बारे में हम कई लोग बोलते हैं। उनको इसी समय संदेह भी आता है, मैथुन में भाग लग सकता हूँ नहीं, भाग लेने से कोई भी नुकसान होगा नहीं, तो भाग लेने के लिए पीठ का दर्द से कोई तकलीफ में निकलेगा, इस प्रकार सोचते हैं। पीठ का दर्द, इसी को बोलते हैं कमर दर्द या बैक एक। क्यों पीठ का दर्द ये होने के लिए पहला कारण यह है कि हमारे पीठ में कई प्रकार के मांसपेशियां होती हैं, मजल्स होते हैं, बैक मजल्स। बैक मजल स्टिफनेस की वजह से बैक पेन आएगा। क्यों बैक पेन आएगा, क्यों कमर में दर्द आएगा? उधर तो कोई बीमारी नहीं देखता, जो कमर में कोई आधड़ से नहीं देखता। लेकिन कई लोग बोलते हैं मुझे कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। इसका मुख्य कारण है बैठने के पोजीशन में, रॉन्ग गलती पोजीशन से बैठा। जब ये कुर्सी में बैठते हैं सीधा बैठना, आजकल कई लोग कंप्यूटर के आगे बैठते हैं घंटों तक, 6 घंटे 10 घंटे ऐसे ही कंप्यूटर के आगे बैठते हैं। उधर कोई भी हल्का होता कुछ भी नहीं होता, वो उठते नहीं, उधर ही बैठते हैं, उस कमर को कोई भी काम नहीं होता। उसे क्या होता है, घूमते नहीं, उठते नहीं, चलते नहीं। तब पीठ के मांसपेशियों में स्टिफनेस कठोरता आ जाएगी, वो खड़ापन आ जाएगा, इसलिए बैक एक। इसे कई लोगों को, जो आदमी और औरत पीठ के दर्द के बारे में बोलते हैं, उनमें 80% बैक मजल स्टिफनेस, ये पीठ के मांसपेशियों में खड़ापन आना, नहीं तो कठोरता आना, स्टिफनेस की वजह से होता है। इसे क्या करना है, उसके लिए एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज से वो स्टिफनेस दूर हो जाता है। लेकिन कई लोग बैक एक्सरसाइज नहीं करते, वैसे ही बैठते रहते हैं। जब दर्द होगा तो और भी बैठते रहते हैं, वे समझते हैं हम नहीं चल सकते हैं, हम चलने से कहीं व्यायाम नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझते हैं। लेकिन सब कुछ मांसपेशियों में कठोरता की वजह से, कड़ापन की वजह से होता पीठ दर्द। पीठ दर्द होने से सोना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कैसा सोना, बुलेट लेकर, इस पर बुलेट कर, दाएं तरफ बुलेट कर, बाएं तरफ बुलेट लेकर बोल सकते कैसे। लेकिन जिनको बैक एक होता है, सीधा ऐसा बेड में ऐसा सीधा पर लेटना है, लेटने से थोड़ा बहुत क्या स्टिफनेस कम होगा, बुलेट कर पेपर लेना है। और ये सब के माँ ये कड़ापन स्टिफनेस, कुछ लोगों को तो डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क प्रोलैप्स वर्टिब्रा वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है, वो तो बाहर तौर से निकलता है, वह नर्व पर प्रेशर करता है, प्रेशर करने की वजह से दर्द दर्द होता है। कुछ लोगों को कमर में उधर वर्टिब्रे में टीबी की बीमारी आ जाता है, क्षय रोग आता है, कुछ लोगों का कैंसर भी आता है। लेकिन एक बात समझना, कई लोगों को 80% लोगों को पीठ में दर्द आने के लिए केवल मजल स्पाज्म, स्टिफनेस ऑफ दी मजल्स के, विथआउट एनी ड्रग्स, दवा लेने की जरूरत नहीं, केवल बैक एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो जिनको शादी हुई वे तो मैदुन में भाग लेने के भी डर जाते हैं, मैदुन में भाग लेने को तो दर्द होता है उधर,
इसलिए क्या वो करते हैं, सेक्स से दूर रहते हैं, तब उनके बीच में रिलेशन प्रॉब्लम। जब पार्टनर सेक्स में नहीं भाग लेता वो उनके बीच में क्या होता है, झगड़ा आ जाता है, दूसरे वालों को सेक्स चाहिए, ये तो कम पीठ में दर्द होने की वजह से सेक्स में भाग नहीं लेते। इसलिए उनकी शादी के जीवन में, वैवाह के जीवन में एक प्रकार का गड़बड़ जाता है। इसलिए हर आदमी, पुरुष या स्त्री, कोई भी हो, हर रोज 10 मिनट या 20 मिनट थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, स्पेशली बैक एक्सरसाइज करना है। उसके दवा तो लेना है, दवाओं की जरूरत बहुत कम है। 80% लोगों को केवल बैक एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, सेक्स में भी अच्छी तरह भाग ले सकते हैं। ये समझना, जो आदमी कंप्यूटर के सामने बैठकर, पुरुष या स्त्री कोई भी हो, कंप्यूटर के सामने घंटों तक बैठ कर देंगे, जरूर बैक एक्सरसाइज करना, करने से सबको ठीक हो जाएगा। कोई की एक गोली की भी जरूरत नहीं है, उनका तबीयत भी अच्छा रहेगा। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel and activate the bell icon.